नमस्कार, ये हैं पत्रकार राना आयोग। महिला हैं, मुसलमान हैं। ये कहती हैं कि वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भाग स्टिंग ऑपरेशन में गुजारे हैं और ये दावा करती हैं कि अमित शाह को जेल उन्होंने भिजवाया था। आमतौर से जो इमेज है वो ऐसा है कि ये हिंदुओं से नफरत करने वाली हैं और मोदी को गाली देने वाली हैं और हार्डकोर मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, क्योंकि भारत देश है, ऐसा है कि यहाँ जितनी गालियाँ दे दें वो सब जायज़ है। हिंदू को दें, हिंदुत्व को दें, मोदी को दें, आतंकवादी कहें, सब चलता है ये, और यही सब ये करती रही हैं। और जाहिर है इसीलिए इनका एक फ़ैन फॉलोइंग भी है। ये जो योगी जी कहते हैं कि 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, तो जो 20 जो कहते हैं ना, उसमें ऐसे ही लोग हैं और इन्हीं के सपोर्टर्स हैं। खैर, इन्होंने अब इस्लाम में फ़र्क कर दिया है। अब जो सऊदी अरब का इस्लाम है वो इनको आतंक दिखने लग गया है, और इसकी शुरुआत इधर ही एक दो दिन में हुई है, और यूट्यूब से लेकर के, ट्विटर से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, इंस्टाग्राम से लेकर के, हर जगह छाई हुई हैं। क्यों छाई हुई हैं मैं बता रहा हूँ आपको। इन्होंने एक ट्वीट किया कि यमन इज ब्लीडिंग And there is nobody to stop the bloodthirsty Saudis. These are people who call themselves the custodian of Islam. As a Muslim, Rana Ayub कह रही हैं, as a Muslim, I am ashamed that these savages are guardians of the holy mosque. The world cannot stay silent through this genocide. उन्होंने हैशटैग दिया है यमन अंडर अटैक। तो जाहिर है कि सऊदी को इन्होंने कह दिया कि खून के प्यासे लोग हैं, और ये पता नहीं कौन सा इस्लाम मानते हैं, और इस्लाम के गार्जियन खुद को कहते हैं और यमन के खून के प्यासे हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, मैं बता दूं कि पिछले सोमवार को सऊदी अरब पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी यमन का एक ग्रुप है, हौथीस, जो आतंकवादी ग्रुप माना जाता है दुनिया के लिए, उन्होंने अटैक किया था और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी। उसमें 3 लोग मारे गए थे सऊदी अरबिया के, जिसमें 2 भारतीय थे और 6 लोग इंजर्ड हुए थे। बदले में सऊदी अरब ने एयर स्ट्राइक कर दिया था, हवाई हमला किया था यमन के नॉर्थ पार्ट में, जहाँ के हौथीस रहते हैं, और 20 लोगों की हत्या हुई थी, वो मारे गए थे बदले की कार्रवाई में। तो उसी पे राणा आयुब ने कह दिया था कि ये जो सऊदी अरब वाले हैं वो तो खून के प्यासे हैं। अब देखिए हुआ क्या, अब जो इन्होंने ये जब ट्वीट किया तो इसका रिप्लाई क्या आया, ये जरा मैं आपको बताऊं। एक फरजाद हैं, वो कहते हैं, एज ए मुस्लिम आई फील डिसगस्टेड एट राणा आयुब, सी सपोर्टिंग ईरान बैक terrorist who killed and displaced millions of Muslims from Iraq, Syria, Lebanon and Yemen. जाहिर है कि सऊदी के जो लोग हैं ये हौथीज को, जो यमन का एक ग्रुप है, जो वहाँ की सरकार के खिलाफ आर्म्स स्ट्रगल है, आर्म्स वॉर में है, उसको लोग आतंकवादी मानते हैं। एक हसनन सजवानी है, देखिए वो लिखते हैं, सी इग्नोर्स द एट्रोसिटीज एंड वॉर क्राइम्स कमिटेड बाय हौथीज बट कॉल्स सऊदीज ब्लड थ्रस्टी। दीज वाइट लेवल इस्लामिस्ट आर इवन मोर डेंजरस देन द टेररिस्ट देमसेल्व्स शेम। कहते हैं कि ये उनको, हसनैन सजवानी को मालूम नहीं है कि ये लोग जो भारत के मुसलमान हैं हार्डकोर, ये राणा आयुब जैसे, वो आतंकवादियों का तो साथ देते रहे हैं, उनकी तुलना जी वो गरीब लोगों से भी करते रहे हैं। उन्हीं के लोग जिनको वो तारीफ करते हैं, उसने तो हमास से, वहाँ एक भारत की एक संस्था है उस RSS, उसकी तुलना कर दी थी, ये भी वही टेररिस्ट ग्रुप है। तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सजनान साहब, हसन सजवानी साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर घुसा हुआ दिमाग में, ये क्या है, ये कैसी मुस्लिम महिला है, ये कैसे सऊदी को ब्लड थर्स्टी कर सकती है। ये हसन सजवानी आगे भी लिखते हैं, द लाइक्स ऑफ राणा आयुब आर द बिगेस्ट कल्प्रिट।
अंडर द स्मोक स्क्रीन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन वॉइस दे कॉन्स्टेंटली बैक हौथीस हमास एंड मुस्लिम ब्रदरहुड एलाइंड ग्रुप्स। हाँ करते हैं भाई साहब, खूब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिस राना फॉरगॉट दैट हौथीस किल्ड टू इनोसेंट इंडियंस हर कंट्रीमैन लास्ट वीक इन अबू धाबी सेम। अरे भाई वो लोग कहने को कहती हैं कि ये देश हमारा है, हम इसके हैं और ये हम देशभक्त हैं, ऐसा कुछ है नहीं, वो मुस्लिम ब्रदरहुड वाले ही लोग हैं, चांद पे भी कोई मुसलमान है तो है, आप लोग भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो गया राणा आयुब को, उसने कर दिया सऊदी अरब को ब्लड थर्स्टी, और फिर आप लोगों ने भी वो जवाब देना शुरू कर दिया उसको कि भैया कैसे इस्लामिस्ट हो क्या हो, जबकि राणा आयुब कहती हैं कि मोदी के जो भक्त हैं वो लोग ही ट्रोल कर रहे हैं हमें, उन्होंने भी ऐसा भी ट्वीट किया है। ठीक है, कहते हैं सऊदी ट्रोल्स आर बीइंग चीयर्ड ऑन बाय मोदी सपोर्टर इन इंडिया, यू मिस नथिंग। ये राणा का ट्रोल है। मोहम्मद अल अब्दुल्ला जो लिखते हैं वो जरा सुन लीजिए, लिखते हैं एज ए मुस्लिम यू शुड बी एशेम्ड यू डोंट कवर योर हेयर एंड फेस Millions of Muslims women do same on you। जरा इसके पीछे भी चले जाते हैं कि हौथीस जो हैं वो 25% ऑफ द पॉपुलेशन है यमन के, 25% ये सिया हैं, सिया के भी दो वहाँ ग्रुप हैं जो ये अपने यजदी कहते हैं ये लोग खुद को हौथीस लोग, और वहाँ का एक जो नॉर्थर्न पार्ट है यमन का वहाँ पे वो कब्जा है उनका, और वहाँ की जो सरकार है यमन की आज की तारीख में वो उसको सऊदी अरब सपोर्ट करती है। ठीक है, और ईरान जो है वो हौथीस को भी सपोर्ट करता है। जो मुसलमान देश हैं वहाँ तो खून खराबे चलते आ रहे हैं, कब से नहीं चलते हैं, लेबनान को कौन नहीं जानता है, ईरान को कौन नहीं जानता है, इराक को कौन नहीं जानता है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं जो आपस में लड़ते रहे हैं, खून खराबा होता रहा, आईएसआई से लेकर के जो भी 141 टेररिस्ट ग्रुप हैं वो लीबिया हैं, तो ये सब अब राणा आयुब के लिए तो नई बात नहीं होनी चाहिए, उनको तो ब्लड सस्ती कह दिया है, सऊदी अरब को तो ट्रोल हो गई, अब भारत को गाली दे लेती, मोदी को गाली देती, अमित शाह को गाली दे लेती, इधर योगी को गाली देती, हिंदुओं को गाली दे लेती, तो ये हम लोगों को तो आदत हो गई है सुनने की उन लोगों को नहीं है ना, उनके लिए नई बात थी। तो अगर सऊदी अरब के लोग हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं तो माफ कीजिए, आगे बढ़िए, ये लोग ऐसे ही बोलती रहती हैं, और ये चूंकि भारत में है तो बोलती है, आपके यहाँ रहती तो नहीं बोलती, इनकी मिट्टी पलीद हो जाती, उन्होंने 3 मारे आपने 20 मार दिए। वहाँ एक इस महिला की क्या औकात थी कि सऊदी अरब जाके सऊदी अरब के बारे में बात कर ले बात सिर्फ इतनी सी है कि ये भारत है, ये जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, संविधान का देश है, लोगों को इतनी जरूरत होती है, इतनी ताकत मिलती है कि वो यहाँ की सत्ता को, यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ की मेजोरिटी को गाली दें, दबा कर दें और अपनी फैन फॉलोइंग भी बना लें जो उनके जैसे लोग हैं, और खुलेआम घूमें। एक देश है भारत जिसकी एक महिला पत्रकार जो मुसलमान है, जिसका अपना जो इस्लाम को मानती हैं, वो इस्लामिक देश को ही खून की प्यासी बता रही हैं, ये जरा सा ठीक नहीं लगता, वो अपने को सुधारे तो ज़्यादा अच्छा है। और हम तो राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to watch more videos like this.